क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत, जो हमने पहले पिछले पेज पे पढ़ा था उसके बाद हम पढ़ रहे हैं द्वंद समास। द्वंद समास, द्वंद समास क्या है? परिभाषा, इस समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। सभी इसमें प्रधान होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए माता च पिता च, माता च पिता च, आपको इसमें सभी पद प्रधान है, सभी का ही इसमें प्रयोग बराबर हो रहा है। माता और च, च का मतलब क्या है? च को हम क्या बोलेंगे? और। च का अर्थ हमेशा ही क्या होता है? इसका अर्थ और होता है। और ये कब लगाया जाता है? दो पदों को जोड़ने के लिए और लगाया जाता है, यानी कि संस्कृत में और की जगह पे हम क्या रखेंगे? च, और हिंदी में हम इसकी जगह और। माता च पिता च, इनको मिलाने पर ये क्या है? आपको कितने नाम दिख रहे हैं इसमें? दो। तो द्वंद समास में हमें हमेशा दो नाम दिखेंगे, माता पिता, ऐसे ही राम और लक्ष्मण। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए च लगेगा और च दोनों के बाद ही लगेगा, दोनों पदों के बाद आपको च लगाना है। माता च पिता च, तो इसको मिलाने पर क्या बन गया आपका? पित्रो, पित्रो, इस पित्रो। अगर हमें एग्जाम में पित्रो दे दिया गया और बोला गया है कि आप समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह क्या बनेगा? माता च पिता च। अगर हमें ऐसा दिया गया एग्जाम में कि इसका सामासिक पद बनाइए, तो इसको मिलाना ही, मिला के इसका अर्थ क्या बन जाएगा? पित्रो, इसका अर्थ क्या है? माता और पिता। ये हमें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपसे से पूछा जाए कि समास विग्रह कीजिए, ये नाम दिया गया है और कहा जाए कि समास विग्रह कीजिए, तो विग्रह में आपको सिर्फ माता च पिता च इतना ही लिखना है। और अगर आपसे कहा जाए, ये दे दिया जाए एग्जाम में और बोला जाए कि सामासिक पद बनाइए, तो सामासिक पद का मतलब है कि हमें इसको मिला के आपको लिखना है, तो इसका मिलाने पर क्या बन गया? पितृ, यानी कि दो नाम इसके अंदर छिपे हुए। जैसे रामश्च और लक्ष्मणश्च, इसमें भी क्या बनेगा आपका? लक्ष्मणश्च, इसमें भी आपके दो नाम है, राम और लक्ष्मण, इस च का मतलब ओ, तो ये भी दोनों नाम के पीछे च लगेगा। राम और लक्ष्मण, इसका अर्थ बन गया राम और लक्ष्मण, और इसका सामासिक पद क्या बनेगा? राम लक्ष्मणों। तो आपके जो भी नाम मिलाने पर ये दो की मात्रा अगर नजर आती है तो आप पहचान भी सकते हैं कि ये द्वंद समास है। द्वंद समास में आपको ये दो औ की मात्रा नजर आएगी। ये है आपका द्वंद समास, और यह आपके च लगे हुए आपको पहचानने के लिए आए कि अगर इसमें कौन सा समास है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये द्वंद समास है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में क्या है कि जहाँ सामासिक पदों से किसी अन्य का बोध होता है, ये किसी अन्य का बोध कराता है, मतलब हम जो अर्थ कर रहे हैं उसमें उदाहरण के लिए उसका अलग ही अर्थ निकलता है कि किसके लिए ये कहा गया है। जैसे कि पीता अमरम यस्य सत, तो इसमें क्या बन गया? पीता मतलब पीला, अमर यस्य सत, यस्य मतलब जिसका, यस्य मतलब जिसका, तो इसका अर्थ मिलाने पर, इसको मिलाने पर सामासिक पद क्या बनेगा? पीतांबर। क्या बन जाएगा इसका मिलाने पर? पीतांबर। और विग्रह करने पर क्या बनेगा? पीता अमरम यस्य सत, तो इसका अर्थ है पीला है वस्त्र जिसका। इस लाइन का अर्थ क्या बना? पीला है वस्त्र, अमर मतलब वस्त्र और यस्य मतलब जिसका, किसका। तो हमें यहाँ पे गुप्त नाम उसका क्या है? गुप्त है, इसमें आपको नाम नहीं दिया गया, तो आपको इसका अर्थ करके देखना है कि पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि किसका है, तो आपको पहचाना है कि कौन पहनता है पीला वस्त्र धारण करने वाला? श्री कृष्ण भगवान। तो हम इसमें जब भी अगर भगवान का नाम छिपा हुआ है इसके अंदर, तो ये आपका बहुव्रीहि समास है। इसमें बहुव्रीहि समास में अधिकतर आपको ऐसे ही नाम दिखेंगे जो अलग से इसमें आपके उदाहरण में नहीं दिए जाते, उसका आपको समझ के अर्थ निकालना रहता है कि किसके लिए कहा गया। जैसे कि दस आना नानी, दस आना नानी, दस दस तो दस है जो गिनती वाले चलते हैं, और आना नानी मतलब सिर मुख, और यस्य स जिसके, तो इसका मिलाने का सामासिक पद क्या बनेगा? दसानन, दस जिसके क्या है? दस मुख है, तो इसका अर्थ क्या बन गया कि दस दस है मुख जिसके, या दस मुख वाला, आप ये भी बोल सकते हैं कि दस मुख वाला, और कौन है दस मुख वाला? रावण, यानी कि इसमें रावण का नाम नहीं छिपा है। आपको खुद को समझना है कि दस मुख वाला कौन है? तो रावण। तो आपको समझ में आया? तो बहुव्रीहि समास में आपके
जो उदाहरण दिया गया है इसमें आपको ये नहीं पता कि मतलब इसमें आप किसके बारे में कह रहे हैं, आपको खुद को समझना है कि पीला वस्त्र धारण करने वाला तो ये सब क्या है, इसको पहचान, इसमें कुछ न कुछ अंदर नाम छुपा है, यानी कि कृष्ण भगवान का है, इसमें भी आपके नाम छुपा हुआ जैसे कि रावण का है, 10 मुख किसके हैं, रावण के। तो ऐसे अगर आपको कोई भी पद दिए जाते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये बहुव्रीहि समास है। और द्वंद समास में आपको दो पदों को जोड़ने के लिए च का प्रयोग किया जाता है, दो नाम होते हैं, अलग करने पर दोनों के पीछे च लगता है और मिलाने पर इसमें औ की मात्रा बन जाती है, यही आपका द्वंद समास है। जो मुख्यतः 4 समास है उसके बारे में हम अभी तक पढ़ चुके हैं, और मैंने आपको बताया कि वैसे 6 बोलते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्यतः 4 हैं, और 6 में से जो 2 हैं वो आपके तत्पुरुष के उपभेद हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको जो जितना 4 समास करवाए हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है और फिर कॉपी में लिख के ला